प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाऊ वेंट्रेंस कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के स्वागत के नारे लगाए। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया, फिर कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। मोदी ने कहा कि जब मैं ना सीएम था ना पीएम था, तब इस धरती पर कई सवालों के साथ आता था, किसी पद पर नहीं था। तब मैंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मोदी ने प्रवासियों से कहा, भारत इस बार 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले